हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। आज हम आपको बताने वाले हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, कहाँ से क्या आ जाती है, कौन सी रेखा निकलने लगती है, क्या होता है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में आपको समझ में तब आएगा जब आप फिजिक्स की छोटी से छोटी चीज़ों को जानोगे, है ना। आप कहते हैं ना कि बोलते हैं ना कि अगर आप किसी पेड़ को मजबूत आपको करना है तो आपको उसकी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। तो अगर फिजिक्स आपको मजबूत करना है, फिजिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिजिक्स के बेसिक से बेसिक चीजें आपको जानना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से लिया गया, है ना। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताएंगे। तो जुड़े रहिए बच्चों, डीएलएस एजुकेशन से आपकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं हम बहुत ही अच्छे से। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हो कि साइंस की तीन शाखाएं हो, ठीक है, साइंस की तीन शाखाएं इंपॉर्टेंट होती है। आप जैसे कि कौन कौन सी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान, इन्हें तीन शाखा में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो बेटा भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स को, फिजिक्स जो हमारा है फ्यूजिस शब्द से लिया गया है, और इस फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, प्राकृतिक। अब इस नेचर और प्राकृतिक क्या है, तो बच्चों जो हमारा नेचर है, प्राकृतिक है, वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना होता है, मतलब प्राकृतिक इन दोनों घटकों से मिलकर बने होते हैं, मैटर और एनर्जी से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब द्रव्य और मतलब कि द्रव्य और एनर्जी है क्या चीजें, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा द्रव्य होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, द्रव्य या मैटर हमारा कहता है कि वो स्थान गिरता है, स्पेस ओवर, वो दिखाई देता है, विजिबल, भार, वेट होता है, मतलब कि मैटर क्या है कि जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, है ना, जो हमें दिखाई दे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जो स्थान गिरता उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, भार कहते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा, है ना, अब हमारा एनर्जी क्या कहता है कि वो स्थान नहीं घेरता, वो अदृश्य होता है, वो दिखाई नहीं देता, इसमें कोई भी भार नहीं होता, मतलब कि वो वेटलेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी बोलता है, है ना। तो आपको इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है, आपको जानना क्या है, है ना। तो बच्चों हमें जानना ये है कि फिजिक्स को हम दो शाखों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो शाखा में हम फिजिक्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला हमारा है एंशिएंट फिजिक्स, पहले हमारा एंशिएंट फिजिक्स, और दूसरा है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। एंशिएंट फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, दो हम शाखा की बात करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों एंशिएंट फिजिक्स क्या होता है, तो एंशिएंट फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। बच्चों देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए आप लोग साइंस को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कि आप इंग्लिश पढ़ें, ठीक है। तो हिंदी में से बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है। तो चिरसम्मत भौतिकी या एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है क्या, आपने मैम हमें दो हिस्ट्री के बारे में बताया, एक बताया एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और एक बताया मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ये एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, तो बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि ये दोनों मतलब कि मैटर और एनर्जी आपस में नहीं बदला जा सकता, मैटर को और एनर्जी को आपस में नहीं बदला जा सकता। बट हमारा यही मॉडर्न फिजिक्स क्या कहता है, मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि हम एंशिएंट को और किसे, एनर्जी को आपस में बदल सकते हैं, ठीक है, आपस में हम बदल सकते हैं, जबकि एक दृश्य है और एक अदृश्य है। जब बच्चों एक दृश्य है और एक अदृश्य है तो हम आपस में कैसे बदलेंगे, तो दोनों ने, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों ने अलग अलग चीजें बताई, ठीक है। एंशिएंट फिजिक्स की खोज किसने की थी, तो बच्चों एंशिएंट फिजिक्स की जो खोज हुई थी, ठीक है, वो किसने की थी, तो एंशिएंट फिजिक्स की खोज सर आइजक न्यूटन ने की थी, सर आइजक न्यूटन ने की थी। और मॉडर्न फिजिक्स की खोज किसने की थी, तो बच्चों मॉडर्न फिजिक्स की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, ठीक है। अब हम इसके बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि
एंसेंट फिजिक्स जो हमारा है, ठीक है, एंसेंट फिजिक्स को 1900 से पहले हम इसके बारे में जाने थे, ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम 1900 के बाद जाने थे। 1900 के बाद हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, इसका मतलब जो हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स के बारे में खोज की थी, ठीक है, बताया था, वो 1900 के बाद ये सब चीज़ों को बताया था। क्या बताया था? कि ऊर्जा को और द्रव्यमान तथा ऊर्जा को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इन्होंने एक नियम बताया था जिस नियम को हम बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, इस सिद्धांत को इन्होंने बताया था कि इस सिद्धांत में हम ऊर्जा को तथा द्रव्यमान को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो बच्चों एंशियंट हिस्ट्री क्या है, एंशियंट हिस्ट्री मतलब कि चिर सम्मत भौतिकी क्या है। तो चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम सबसे पहले यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिकी इसके अंतर्गत ये शाखा के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिकी मतलब क्या, यांत्रिकी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि गति, मोशंस, है ना, मोशंस के बारे में। मोशंस क्या होता है, मोशंस कहता है कि जब कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे उसे हम गति या मोशंस कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। और स्थिर वैद्युतिकी मतलब कि आवेश, चार्ज, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, जैसे कि आवेश, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बच्चों विद्युत धारा को इंग्लिश में हम बोलेंगे कि विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उपकरण, ठीक है। तो इन सब के बारे में, उपकरण बोले तो जैसे कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर, है ना, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत। एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम यांत्रिकी और स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ेंगे। अब बात आती है बच्चों प्रकाशिकी के बारे में, लाइट के बारे में, है ना। लाइट क्या है, प्रकाशिकी क्या है? तो लाइट शाखा के अंतर्गत हम प्रकाश, अपवर्तन, परिवर्तन, दर्पण, लेंस, इन सारी चीजों को हम लाइट प्रकाशिकी के बारे, प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो बच्चों ऊष्मा के नियम के बारे में हम उसका ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो मॉडर्न फिजिक्स कहता है वे शाखा जो रेगुलर अपडेट, कुछ ना कुछ नया अपडेट होता रहता है, उसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो आधुनिक भौतिकी में रोज ना रोज कोई ना कोई चीज, नई चीजें अपडेट होती रहती है, ठीक है। जैसे कि हम मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, मतलब नाभिकी भौतिकी के बारे में पढ़ते हैं। नाभिकी भौतिकी में आपको क्या क्या चीजें, जैसे कि परमाणु, अस्त्र शस्त्र बनाना, इन सभी चीजों का, ठीक है, निर्माण तक हम पहुंच गए हैं। किसके कारण, नाभिकी भौतिकी के कारण, फिजिक्स के कारण, मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स के कारण, ठीक है। तो इन सब चीजों का निर्माण तक हम पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि नाभिकी का उपयोग आजकल जैसे कि हम चिकित्सा के रूप में भी करते हैं, है ना। चिकित्सा के रूप में कैसे करते हैं, तो बच्चों चिकित्सा के रूप में हम जो करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा आयोडीन 131, ठीक है। आयोडीन 131 क्या है बच्चों, कि आयोडीन 131 मतलब जब आपने घेंगा रोग सुना होगा, ठीक है, जैसे जिसे हम बोलते हैं गालगंड, है ना, जब आपके गले में हो जाता है, जब आयोडीन की हमें कमी होती तो हमें आर्टिफिशियल जो दिया जाता है, ठीक है, आयोडीन 131, ठीक है। इस तरीके से हम नाभिकी का उपयोग चिकित्सा के रूप में भी करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब हम फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें से जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आविष्कार किया। किसके कारण, इलेक्ट्रॉनिक के कारण, पहले बल्ब का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत पढ़ा। तो ये है फिजिक्स, हाँ, मतलब कि बच्चों फिजिक्स में हमें इतनी चीजें पढ़नी है। और फिजिक्स में आपको बताया ना, एंशियंट फिजिक्स और जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, वो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमारा दो चीजों में डिवाइड, दो शाखा में डिवाइड कर दिया, ताकि हम इन चीजों को, कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि हम द्रव्यमान और
एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ का कहना है कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जिनका कहना है कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी और जिनका कहना है कन्वर्ट नहीं कर सकते उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी, ये मैंने आपको बता दिया। तो क्या डिफरेंट है इन चीज़ों में, मैंने ये बता दिया। और भौतिक का मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया। भौतिक फ्यूजिस नेचर प्राकृतिक, ठीक है, यही है हमारा भौतिक। तो हमें यही चीजों को बहुत ही समझ, बहुत ही बेसिक से समझना है। बच्चों अगर आपको यकीन है कि आपको मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगी तो डीएस एजुकेशन से आप जुड़े रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको मैं फिजिक्स इतनी बेसिक से बेसिक चीजें बताऊंगी कि आपको फिजिक्स एकदम एक गेम की तरह लगने लगेगा, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।